Lesson 10 word power made easy. We have the first word that is graphology. हमारे पास जो प्रथम word है वो है graphology. देखिए graphology जो है वो graphen से बना है. graphen. Graphen means होता है to write. write. Graphen means होता है to write. And logy means आप जानते हैं logy. Logy means होता है science. 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 स्टडी. लॉजी मिस होता है साइंस और स्टडी. तो ग्राफोलॉजी क्या हो जाएगा? ग्राफन मिस होता है टू राइट. तो ग्राफोलॉजी हो जाएगा एनालिसिस ऑफ हैंडराइटिंग, यानी कि द साइंस ऑफ हैंडराइटिंग टू राइट. द साइंस ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड ग्राफोलॉजी, यानी कि एनालिसिस ऑफ हैंडराइटिंग हो जाएगा ग्राफोलॉजी. ग्राफोलॉजी जो है वो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ग्राफोलॉजिकल जो है वो एडजेक्टिव फॉर्म है और ग्राफोलॉजिस्ट जो हो गया वो कॉमन नाउन है, क्योंकि जो भी वर्ड आईएसटी से इंड होता है वो कॉमन नाउन से फिक्स होता है. तो ग्राफोलॉजिस्ट कॉमन नाउन हो गया, ग्राफोलॉजिकल जो हो गया एडजेक्टिव फॉर्म हो गया. बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि वो सारा वर्ड जो सी ए एल से अंत होता है वो एडजेक्टिव फॉर्म होता है एंड जो वाई से अंत होता है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली होता है. तो ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी हैज बीन कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफन में होता है टू राइट एंड लॉजी में होता है साइंस और स्टडी. सो ग्राफोलॉजी इज एनालिसिस ऑफ हैंडराइटिंग, यानी कि हैंडराइटिंग के एनालिसिस को क्या बोलते हैं? ग्राफोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजी बोलेंगे. और जो एक्सपर्ट होगा, जिनको एक्सपर्टीज हासिल होगा, उनको ग्राफोलॉजिस्ट बोलेंगे और उनसे जुड़ी हुई चीजों को ग्राफोलॉजिकल बोला जाता है. नाउ नेक्स्ट वर्ड है कैलीग्राफी. कैलीग्राफी जो है वो ब्यूटिफुल हैंडराइटिंग. कैलीग्राफी हैज बीन कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफन मीन्स टू राइट होता है एंड यू नो कैलोज KALOS कैलोज मिस होता है ब्यूटीफुल. BEAUTIFUL ब्यूटीफुल. कैलोज मिस होता है ब्यूटीफुल. तो ये जो कैली जो लिया गया CALLI वो कैलोज का ही पार्ट है. तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग. ग्राफेन मिस क्या होता है? टू राइट होता है. तो ये हो गया कैलीग्राफी मिस हो गया ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग. एंड कैलियोग्राफर जो हो गया वन हु हैज एक्सपर्टीज इन राइटिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग. जो खूबसूरत हैंड राइटिंग लिखने में जिनको महारत हासिल होगा उनको कैलियोग्राफर बोलेंगे और उससे जुड़ी हुई चीजों को कैलियोग्राफिक बोलेंगे. कैलियोग्राफिक जो हो गया एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, कैलियोग्राफर जो हो गया वो नाउन हो गया और कैलियोग्राफी भी ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कॉमन नाउन है. जनरली जो वर्ड ER से अंत होता है वो भी कॉमन नाउन होता है. जैसे कि आप फार्मर जानते हैं, टीचर जानते हैं, ड्राइवर जानते हैं, सब में ER है लास्ट में. यानी कि ER द वर्ड दैट एंड्स विद ER सफिक्स जनरली इन कॉमन नाउन फॉर्म, जनरली वो कॉमन नाउन फॉर्म में होता है. नेक्स्ट वर्ड भी है कार्डियोग्राफ. देखिए कार्डियोग्राफ, अब ग्राफेन जो है, ग्राफेन से इंग्लिश में बहुत सारा शब्द जुड़ा हुआ है, बहुत सारा वर्ड को कंबाइंड किया गया है विद द हेल्प ऑफ ग्राफेन मिस टू राइट होता है. कार्डियोग्राफ मिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. कार्डिया मिस हार्ट होता है. CAR इसका जो कार्डिया होता है KARDIA कार्डिया मिस होता है हार्ट. HEART कार्डियोग्राफ, यानी कि हार्ट राइटर, यानी कि हार्ट राइटर जो भी मशीन होगा उसको कार्डियोग्राफ बोलेंगे. फोटोग्राफ देखिए रिटेन बाय लाइट. फोटो मिस होता है लाइट. PHOTO फोटोज मिस होता है लाइट. LIGHT फोटोज मिस होता है लाइट. तो फोटोग्राफ हो गया रिटेन बाय लाइट. फोनोग्राफ मिस होता है अ साउंड राइटर. फोनो मिस होता है, फोनोज मिस होता है PHONOS फोनोज मिस होता है साउंड. एंड ग्राफ हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्राफेन GRAPHEN यू कैन सी हियर मिस होता है टू राइट. तो फोनोग्राफ इज अ साउंड राइटर. फोनोग्राफ इज अ इंस्ट्रूमेंट विच राइट्स अबाउट साउंड, अंडरस्टैंड. टेलीग्राफ, टेली मिस होता है डिस्टेंस. TELE टेली मिस होता है डिस्टेंस एंड ग्राफ हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्राफेन. तो हो गया टेली यानी कि दूर के लिखना और डिस्टेंस राइटर, यानी कि टेलीग्राफ इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू राइट अबाउट डिस्टेंस. और डिस्टेंस राइटर को टेलीग्राफ बोलेंगे. वी हैव बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी यू माइट हैव यूज्ड इफ यू आर अ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, आप सुने होंगे. तो बायोग्राफी, बायो मिस होता है लाइफ. बायो बायोलॉजी जानते हैं, बायो मिस लाइफ होता है, लॉजी मिस साइंस, यानी कि द साइंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी. इन द सेम वे बायोग्राफी मिस होता है बायो मिस लाइफ एंड ग्राफी हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्राफेन. तो ग्राफेन का मीनिंग होता है टू राइट. तो बायोग्राफी हो गया लाइफ राइटिंग. लाइफ राइटिंग हो गया बायोग्राफी, यानी कि जब अपने बारे में आप लिखते हैं तो उसको बायोग्राफी. लाइफ राइटिंग मतलब किसी दूसरे के बारे में आप लिखते हैं तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं. जब अपने जीवन के बारे में आप खुद लिखते हैं तो उसको ऑटो बायोग्राफी बोलते हैं. अब चलिए, अब हम लोग इसको देख रहे थे ग्राफोलॉजी. कैलियोग्राफी मतलब होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग. तो इसका एक अपोजिट वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैकोग्राफी. देखिए CACOGRAPHY कैकोग्राफी. अब जिस तरह कैलीग्राफी है उसी तरह कैकोग्राफी होगा, कैकोग्राफर होगा और कैकोग्राफिक भी होगा. उसका एडजेक्टिव फॉर्म भी होगा, नाउन फॉर्म भी होगा. तो कैकोग्राफी हैज बीन टेकन, देखिए कैकोग्राफी हैज बीन टेकन विद द हेल्प ऑफ कैकोस. द कैकोस KAKOS
कैकोज मिस होता है बैड, बी ए डी, बैड हार्स, एच ए आर एस एच, हार्स यानी कि खराब, बैड मिस बुरा, हार्स तो कैको, और ग्राफी हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्राफियन, तो कैकोग्राफी हो गया यानी कि बैड हैंडराइटिंग, अगली हैंडराइटिंग, इलिजिबल हैंडराइटिंग, यानी कि बैड हैंडराइटिंग, अगली हैंडराइटिंग, इलिजिबल हैंडराइटिंग को कैकोग्राफी बोलते हैं, बिकॉज द मीनिंग ऑफ कैकोज मिस बैड हार्स एंड कैकोग्राफी हैज बीन कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ कैकोज मिस बैड एंड ग्राफ, ग्राफी हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्राफिन, जिसका मीनिंग होता है टू राइट. वी हैव मोर वर्ड इन दिस सेशन, सो प्लीज बी विथ मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कंप्लीट दिस सेशन. दीज वर्ड्स आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ द सेशन 10. सो वी हैव जेरियंटोलॉजी. जेरियंटोलॉजी हैज बीन कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ GERAS. जेरस मिस होता है ओल्ड एज, ओल्ड एज यानी कि ओल्ड एज से रिलेटेड होता है जेरस. So gerontology has been combined with the help of gerus plus logy, and the science of old age called gerontology. Problems of old age ko gerontology bolenge. Isi ka adjective form gerontological hai, aur gerontologist yani ki a kind of person who has got expertise in gerontology. Jinko gerontology mein expertise hasil hota hai unko gerontologist bolte hain. Now we have senile. Senile मतलब समझिए, showing sign of the physical or mental deterioration that generally marks very old age. यानी कि physical, कोई physical संकेत हो या mental संकेत हो जो आपको दर्शाता है कि आप बूढ़े हो रहे हैं, उसको senile बोलेंगे. इसी के form को senility बोलते हैं, noun form है. अब है senescent. Senescent means होता है growing old. Senescence इसका noun form है. Senescent का noun form senescence. उसी तरह adolescent. Adolescent का noun form हो जाएगा adolescence. एडोलेसेंस कितना बार एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है, ए डी ओ एल ई एस सी ई एन सी, एडोलेसेंस ये जो है वो इसका एडोलेसेंट का नॉन फॉर्म है. एडोलेसेंट मीन्स होगा ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट, जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो उसको एडोलेसेंट बोलते हैं. कन्वालेसेंस, कन्वालेसेंट मीन्स होता है ग्रोइंग हेल्दी अगेन, ग्रोइंग हेल्दी, जब आप फिर से हेल्दी हो रहे होते हैं, स्वस्थ हो रहे होते हैं किसी बीमारी से, तो उसको कन्वालेसेंट बोलेंगे उसको, और उसके नॉन फॉर्म को कन्वालेसेंस बोलेंगे, यानी कि सी ई एन सी ई जोड़ दीजिएगा तो उसका नॉन फॉर्म हो जाएगा. अब है अब्सोलेसेंट. अब्सोलेसेंट जो होता है ग्रोइंग और बिकमिंग अब्सोलेट. अब्सोलेट का जो मीनिंग होता है यानी कि प्रयोग से, प्रयोग के दृष्टि से पुरानी पड़ चुकी वस्तु को अब्सोलेट बोलते हैं. अब्सोलेट तो यानी कि ग्रोइंग और बिकमिंग अब्सोलेट, ये भी आपको ओल्ड एज से जुड़ा हुआ है. सेनेट वर्ड लास्ट वर्ड है जो हमारे पास वो है सेनेट. सेनेट जो होता है, सेनेट आप जानते हैं ब्रिटेन, सेनेट मतलब एक असेंबली को भी बोलते हैं. सेनेट होता है ओरिजिनली अ काउंसिल ऑफ ओल्डर एंड वाइजर सिटीजन, यानी कि ओरिजिनली मुख्य रूप से एक ग्रुप होता है ओल्डर यानी कि बड़े लोगों का, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनका ग्रुप होता है, और वो मतलब बहुत इलाइट ग्रुप होता है, पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप होता है, बट वे उसमें नौजवान नहीं होते. ओरिजिनली अ काउंसिल ऑफ ओल्डर एंड वाइजर सिटीजन, यानी कि मुख्य रूप से जो एक ग्रुप होता है वो ओल्डर लोगों का होता है और उसमें वाइजर सिटीजन होते हैं यानी कि बुद्धिमान सिटीजन होते हैं. सो माई डियर व्यूअर्स, We have learned these words in session 10 and I will try my best to upload every day one session of Word Power Made Easy Normal Wish. I was not uploading the videos because I had got some problems, that's why I didn't upload in previous days, but I would like to try my best to upload videos every day. That's all. Thank you.